हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी आपके विषय इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने बेसलाइन असेसमेंट का सॉल्यूशन देख लिया था। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। पूरे वीडियो को केयरफुली देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में लर्न हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को रीड करना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रॉक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ब्रोक आउट हुआ था 1939 को, जब मैं 8 साल का था। कोई एक कहानी बता रहा है अपनी। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड्स एरुप्टेड इन द मार्केट। टमरिन जो सीड्स हैं उसका एरुप्टेड हो जाता है मार्केट में और सडनली डिमांड बढ़ जाती है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। मॉस्क्यू स्ट्रीट में प्रोविज़न होता है, वो प्रोविज़न देता है वो शॉप पर कलेक्ट करके और उन्हें बेचता है उन सीड्स को। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन एना। माई मदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। आर एरिया बींग इन आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा एरिया जो था वो आइसोलेटेड था और कम्प्लीटली अनअफेक्टेड था वॉर के द्वारा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द अलाइन फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। द फर्स्ट कैजुअल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। धनुषकोडी आपको पता है लास्ट जो है हमारा भारत का वो धनुषकोडी तक समाप्त होता है। दैट फोर्स माई कजिन सैमुसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़ पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। सैमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने पहली बार अपनी कमाई करी थी उसके द्वारा। तो ठीक है, अब देखते हैं पैसेज के रिलेट जो क्वेश्चन हैं पूछे गए उनको। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सोल्ड देम टू। मैंने कलेक्ट किया सीड्स को और उन्हें बेचा। कहाँ पर बेचा? प्रोविजन शॉप में, जहाँ पर उनकी कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोविजन शॉप ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कैजुअल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन बॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर एक फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना, आपको ये करेक्ट कर देना है। ओके, सस्पेंशन ऑफ ट्रेन बॉल्ट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ऑन मनी फॉर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? द फर्स्ट टाइम। उसको बहुत ज़्यादा गर्व होता है अपने आप पे जब वो पहली बार अपनी कमाई से अपनी पहली कमाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ना ये फोर्थ है, तो यहाँ पर सेकंड का फोर्थ कर दीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि सेकंड तो ये है द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन में आपका ट्रू फॉल्स आ जाता है जिसमें आपको सही गलत बताना है। तो यहाँ फर्स्ट है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वर्ल्ड वॉर बोज ब्रॉक आउट इन 1940। जी नहीं, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज। नो, ये भी रॉन्ग है। सैमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, ये सही है। ठीक है,
न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था उसका जो भाई था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द सम ऑफ वन एना, ये भी सही है। तो यहाँ पर दो सही हैं, दो गलत है ऊपर वाले। ओके, थर्ड है यहाँ पर, राइट द अपोजिट ऑफ गिवन अंडरलाइन वर्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, री राइट देम। अंडरलाइन वर्ड्स का आपको अपोजिट बताना है जो कि पैसेज में पैसेज से रिलेटेड। ठीक है, द एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अफेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में दिया गया, आपने पढ़ा होगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा। द एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। आई यूज टू बाय दैट देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो यहाँ पर हो जाएगा आई यूज टू सेल देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। वो सेल कर रहा था, नॉट बाय। ओके, तो ये भी पैसेज में आपको मिल जाएगा, बाय का सेल हो जाएगा, खरीदना बेचना। द लास्ट कैजुअल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। द फर्स्ट, तो यहाँ पर द लास्ट कैजुअल्टी नहीं है, यहाँ पर द हो जाएगा द फर्स्ट कैजुअल्टी। ठीक है, जो कि आपको पैसेज में मिल जाएगा। द फर्स्ट कैजुअल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो लास्ट अंतिम का हो जाएगा प्रथम, पहला। ठीक है, अ सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड्स ड्रॉप्ड इन द मार्केट। तो यहाँ हो जाएगा अ सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड इरुप्टेड इन द मार्केट। ओके, गिर जाना एक बढ़ना। ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है तो यहाँ पर बढ़ना हो गया इरुप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फॉलोइंग जो आपको दिए रखे हैं सेंटेंस, इन्हें मैच करना है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर हो जाएगा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सी को मैच कर देंगे ए से, फर्स्ट को सी से मैच कर देंगे, ब्रोक आउट इन 1939। डिमांड फॉर टमरिन, यहाँ हो जाएगा सीड्स अरप्टेड इन द मार्केट। तो फोर्थ को मैच कर देंगे सेकेंड से, सेकेंड को फोर्थ से मैच कर देंगे। माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जो था जलालुद्दीन, जो उसका ब्रदर इन लॉ किसको कहते हैं, पत्नी के भाई को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, उसने कहा उसे वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज को। द फर्स्ट कैजुअल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन सस्पेंशन, फोर्थ को मैच कर देंगे सेकेंड से। ओके, तो यहाँ पर आपको इन्हों को मैच कर देना है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड आउट द सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम पैसेज में से ढूंढना है, यानी एक ही समान अर्थ वाले शब्दों को। ऑल एट वंस का हो जाएगा ए सडन, एंड का हो जाएगा वेजेस। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सबसे पहले आप लिखेंगे सिक्स को, यहाँ पर सिक्स पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अ डेज कलेक्शन, फिफ्थ सेंटेंस जो है, पांचवा जो सेंटेंस है आपका, अ डे कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ वन एना। नेक्स्ट होगा द एरिया वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, थर्ड जो आपका सेंटेंस है वो आ जाएगा। देन है इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स। नेक्स्ट हो जाएगा द न्यूज़ पेपर हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, फिफ्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सैमुसुद्दीन हेल्प माई अर्न माई फर्स्ट वेजेस। ठीक है, बेचने में उसकी पहली कमाई जो है उसकी हेल्प करता है ब्रदर इन लॉ सैमुसुद्दीन। तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा सेंटेंस लास्ट में। ओके, तो यहाँ जो आपका क्रम है वो हो जाएगा सिक्स, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, देन हो जाएगा अ डे फिफ्थ सेंटेंस, देन हो जाएगा द एरिया थर्ड सेंटेंस, देन हो जाएगा सेकेंड इंडिया वॉज फोर्स्ड, देन हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस द न्यूज़ पेपर हैड टू बी, और लास्ट हो जाएगा आपका सैमुसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, फोर्थ सेंटेंस। ठीक है, तो इसे आप इस क्रम में लिख दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है, सेवन क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। एट्थ क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डिड द ऑथर सेल द टैमरिंड सीड्स। द ऑथर सेल द टैमरिंड सीड प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द एरिया अनअफेक्टेड बाय द वॉर। आर एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। आइसोलेटेड था इसलिए अनअफेक्टेड रहा वॉर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड द स्टोरीज टू द ऑथर। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन हेडलाइंस इन दिना मनी। वेयर वर द न्यूज पेपर बंडल एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। द न्यूज पेपर्स हाउ नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो ये डन होता है कंप्लीट आपका वर्कशीट फर्स्ट, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको सभी वर्कशीट अच्छे से मिल जाएँ और सभी के आंसर आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, इससे पहले हमने बेसलाइन असेसमेंट वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपने नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं देखा है वीडियो तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक कंप्रेशन आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पैसेज को रीड करना। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, he loved my wife and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who come forward for a rough and tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick off you, at you. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced the cradle, affectionately a stump of wood which he had carefully created in his straw bed, but because of the tenant's children, tenant hota hai kiraydar, kiraydar ka bachcha, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of time. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, why was Baba kept chained most of time? Baba kept chained most of time because of the tenant's children, poor Bruno. What does the word Baba signify? Baba means a small boy. Find out a word from the passage which means at once का हो जाएगा immediately, strongly का हो जाएगा vigorously. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। द मंथ्स रोल्ड ऑन, यहाँ पर हो जाएगा ब्रूनो इक्वल द एल्सेशियंस हाइट। बाबा अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई स्मॉल बॉय। ब्रूनो वॉज चैंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स। ब्रूनो लव्ड हिज वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैच कर देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिसचुअस, जस्ट एज प्लेफुल। हियर ही रेफर टू ही, किसको रेफर किया गया है? ब्रूनो को। तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है, वॉट आर सम ऑफ द ट्रिक्स परफॉर्म बाय ब्रूनो, और मेंशन सम ट्रिक्स परफॉर्म बाय ब्रूनो। तो कोई भी, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं,
तो यहाँ पर आपको सम ट्रिक्स परफॉर्म बाय ब्रूनो जो है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स ही वर्गसली टेकल एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ टफ एंड टम्बल गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी ही इमीडिएटली प्रोड्यूस एंड क्रेडल अफेक्शनेटली अ स्टंप ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पैसे से रिलेट जो क्वेश्चन थे आपको आंसर करने थे, तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। द 5 मैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट इट वाज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव मरना या जीवित रहना बहुत डेंजर था। आई कूडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट रिगार्डलेस आई हैड टू गो वी पिल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लॉथ ऑन आर बैग्स एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स एंड मेड आर वे टू माई ग्रांड पेरेंट्स हाउस स्पेंड द नाइट। नाइट को स्पेंड करने के लिए ग्रांड पेरेंट्स के घर पर जाते हैं। द नेक्स्ट डे मंडे, नेक्स्ट डे था सोमवार। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। Was when the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn the church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They become yet another casualty of the fire. Casualty. So I had to borrow some tennis shoes from टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, मेरी आंट से मैं टेनिस शूज बोरो कर लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ। वाई कूडंट जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरी थिंग द क्लॉथ आई वॉज वियरिंग लुक वियर वियर लग रहे थे, भद्दे लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैक पैक वॉज गॉन आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक The more I tried to fit in, the rose it got. Was I destined to be an outcast and Greek all my life? That's what it felt like. I did not want to grow up. तो यहाँ पर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टेक द करेक्ट आंसर एंड राइट द गिवन स्पेस। द ब्लैंक वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा फायरमैन। फायरमैन नहीं चाहता था कि हम उस रात उस घर पे जाएं, ठीक है। वी मेड आर वे टू माई ग्रांड पेरेंट्स द अदर वेंट टू स्कूल ऑन मंडे द ऑथर वेंट सॉरी ऑथर जो है वो कब जाता है स्कूल मंडे को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द गिविन वर्ड्स बिलो। डैड का हो जाएगा लाइव, नॉर्मल का वियर, लैंड का बोरो, अंकल का हो जाएगा आंट, जो कि आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे सभी जो अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोरो का होता है उधार लेना, लैंड बोरो, नॉर्मल वियर, एक नॉर्मल लगता है एक वियर लगता है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है यहाँ पर आपको। तो देखिए द मोर आई ट्राई टू फिट इन, यहाँ हो जाएगा द रोस्ट इट गॉट, जैसे मैं कोशिश कर रहा था बट ये बहुत गंदा लग रहा था। दैट नाइट दे डिड नॉट लेट अस गो फायरमैन आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई आई बोरोड टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट ठीक है। तो इस तरह से आपको मैच करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट को थर्ड से मैच कर देंगे, सेकंड को मैच कर देंगे फोर्थ से। आई जस्ट वांटेड टू
यहाँ कलअप एंड डाई हो जाएगा, बोरो टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक दैट नाइट। नेक्स्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, द दे बिकेम येट अनादर कैजुअलिटी ऑफ फायर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा थर्ड सेकेंड फर्स्ट। नेक्स्ट डे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन। तो बॉक्स में जो आपको वर्ड्स दिए गए इनको फिल करना है दिए गए ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट सेंटेंस है इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, तो यहाँ पर डेंजरस लिख देंगे। सेकेंड में लिखें दे बिकम येट अनादर कैजुअलिटी ऑफ फायर, आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, मैं सभी चीज़ों के लिए एम्बेरस था, शर्मिंदा था। आई वॉज डेस्टाइन टू बी एन आउटकास्ट आउटकास्ट एंड ग्रीक ऑल माई लाइफ। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेर डिड दे गो टू स्पेंड द नाइट, कहाँ पर जाते हैं वो स्पेंड करने के लिए नाइट को। दे वेंट टू स्पेंड द नाइट ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं उस रात को बिताने के लिए। हु डिड नॉट अलाउ टू गो इन टू द हाउस, द फायरमैन डिड नॉट अलाउ टू गो टू इन टू द हाउस। वेर डिड द ऑथर गो ऑन मंडे, द ऑथर वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। Why was the author embarrassed? The author embarrassed because the class were wearing looks up. तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थर्ड तक कम्प्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट फोर्थ से कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखेंगे हम वर्कशीट फोर्थ का क्वेश्चन जिसमें दे रखा है आपको एक सीन पैसेज जिसे आपको रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पैसेज है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come, child, come, come on to the footpath. He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. Being home, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है जिसकी क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। तो ये हमने रीड कर लिया है, जिसके क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाएंगे ना वो इसी में ही उपलब्ध हैं आपके आंसर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड फॉलो देम हियर देम रेफर टू ड्रैगन फ्लाइज। नेक्स्ट है देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल टू हिज चाइल्ड, ऑप्शन बी सी को करेक्ट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड टू गिव इन सेंटेंस। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स हैप्पीली, हैप्पीली का हो जाएगा यहाँ पर गैली, ठीक है, सिमिलर वर्ड है गैली। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बूजिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स बसलिंग, राइट एनी थ्री राइमिंग वर्ड्स ऑफ कैच एज एंड गेज। कैच का मैच, बैच स्क्रैच, एज का वेज, हैज लेज, गेज का ब्लेज मेज हैज, ठीक है।
तो जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनमें लास्ट के जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो सेम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स बनाने थे, यहाँ पे कोई भी आप वर्ड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है दिए गए सेंटेंस को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, फ्लाइज वर बर्सलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी विंग्स। जो थर्ड है, थर्ड को आप फर्स्ट कर देंगे। ही वुड ट्राई टू कैच बट इट वुड गो फ्लैपिंग। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस, सेकेंड में आ जाएगा। नेक्स्ट होगा देवर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस। थर्ड मैं ये लिख देंगे, जो सेकेंड सेंटेंस है वो आ जाएगा। देन लास्ट में आ जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस, फोर्थ में, दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एजेस ऑफ वेल, एज ऑफ अ वेल। ठीक है, तो यहाँ पर रीअरेंज करना था आपको। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको अब। तो यहाँ पर अ चाइल्ड फॉलोड ड्रैगन फ्लाइज, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, मदर गेव अ कॉशनरी कॉल टू कम ऑन द फुटपाथ। ठीक है, तो इसे इस तरह से मिलान कर देना है आपको, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली। आंसर हो जाएगा, ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल बींग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड। सेकेंड है वेयर वर द पेरेंट्स सिटिंग, तो आंसर हो जाएगा The parents were sitting on the edge of a well. Third है who were teaming out from their hiding places. तो आंसर हो जाएगा the footpath were teaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन। तो हमने सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। देखेंगे वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। यहाँ पर आपको दिया गया है एक सीन पैसेज जिसमें है जो आपको रीड करना है और जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने जो कि इसी पैसेज में उपलब्ध हैं। तो रीड करेंगे इस पैसेज को। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द शैलो स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सोल द सैड द प्रिंस। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, ही इज लर्निंग, ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। Papers in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp and his lips are red as pomegranate. And he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater. But he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked he should take another rabbi to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were bought out of India 1000 years ago. तो ये था पैसेज, अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड द प्रिंस सी अक्रॉस द सिटी, फार अवे अक्रॉस द सिटी द प्रिंस सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। व्हाई डिड द मैन फेंट, तो आंसर हो जाएगा, देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हैंगर हैज मेड हिम फेंट। Who had a good heart? Answer हो जाएगा, The prince is a good heart.
तो यहाँ पर अ लगा देना है, ए, द प्रिंस इज अ गुड हार्ट. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन टू बिकेम ड्राई विदर्ड, टू लॉस कॉन्शियसनेस, इसका हो जाएगा फेंट. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में से बताना है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, आई हेयर रेफर टू स्वेलो, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे. ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, ही हेयर रेफर टू यंग मैन, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे. यंग मैन को रेफर कर रहा था वो, जो उसे दिखाई दे रहा था. ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है दिए गए सेंटेंस को. तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा द स्वेलो आंसर आई एम वेटेड फॉर इन इज इट, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, गैरेट में दिखाई देता है उसे यंग मैन. नेक्स्ट हो जाएगा ही ट्राइड टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर, हंगर हैज मेड हिम फेंट, द प्रिंस सेड आई हैव नो रूबी नाउ, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस को रीअरेंज करना था. तो सबसे पहले आपका द स्वेलो जो लास्ट वाला सिक्स सेंटेंस है वो आ जाएगा, देन आ जाएगा थर्ड सेंटेंस, देन आ जाएगा ही टायर्ड फोर्थ सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हंगर सेकेंड सेंटेंस, नेक्स्ट आ जाएगा द प्रिंस सेड फिफ्थ सेंटेंस, देन आ जाएगा लास्ट में माई आईज फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है, तो इस तरह से आपको रीअरेंज करना था इन सेंटेंस को. तो ये डन होता है वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन. उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और इसी तरह और आगे की वर्कशीट भी हम देखते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से देखते रहेंगे. तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. वर्कशीट सिक्स का सॉल्यूशन, इससे पहले हमने वर्कशीट फाइव तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है. अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट सिक्स का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, द एडवेंचर ऑफ टोटो. क्वेश्चन है रीड द लेसन केयरफुली इन द टेक्स्ट बुक बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. आपको आंसर्स करने से पहले आपको अपने जो चैप्टर है ये द एडवेंचर ऑफ टोटो ये पढ़ना चाहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके. फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंडफादर बॉट द मंकी बिकॉज, उन्होंने मंकी को क्यों खरीदा था. आंसर हो जाएगा इट वॉज प्रीटी, उन्हें वो प्रीटी लगा था. तो आंसर फर्स्ट को क्लिक कर देंगे. सेकेंड है टोटो वॉज अ, टोटो क्या था, मंकी था. तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, टोटो वॉज अ मंकी. वाई वॉज टोटोज प्रेजेंस कैप्ट सीक्रेट, टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट क्यों रखा था. अ सीक्रेट टिल ग्रैंड मदर वॉज इन अ गुड मूड टू एक्सेप्ट हिम, जब ग्रैंड मदर अगर अच्छे मूड में होगी तब उन्हें एक्सेप्ट करेगी उसे, इसलिए उसे सीक्रेटली रखा गया था. वाई डिड ग्रैंड फादर सेल टोटो फॉर ओनली थ्री रुपीज, क्यों उसे वो तीन रुपये में बेचना चाहते थे. बिकॉज टोटो हर्ट डंकी बैडली, जो टोटो था उसने हर्ट किया था डंकी को बैडली बुरे तरीके से, इसलिए वो बेचना चाहते थे. नेम द पेट्स दैट लिव सोशियबली टुगेदर इन अ बिग केज, रैबिट टॉर्टोइज स्क्वायरल गॉट डंकी, तो ये सोशली एक साथ में रहते हैं, बड़े इसे पिंजरे में या केज में रहते हैं, ये सभी संग में रह सकते हैं. व्हाट डिड टोटो डू बिफोर टेकिंग अ बाथ, नहाने से पहले टोटो क्या करता था. तो आंसर हो जाएगा टोटो फर्स्ट चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय हैंड, वो चेक करता था अपने हाथों से जो पानी का टेम्परेचर होता था उसे. व्हाई डिड टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, क्यों नहीं बने वो अपने एक दूसरे के फ्रेंड. टोटो डग हिज शार्प टीथ इनटू टंकी ईयर एंड डिड नॉट लेट हिम ईट हिज हे, तो वो उसे शार्प टीथ से ना हर्ट कर देता था डंकी की ईयर्स को, और उसके संग में वो चाहता ही नहीं था उसका साथ, और उसे वो खाने भी नहीं देना चाहता था. ठीक है, तो इस वजह से वो कभी फ्रेंड बनी ही नहीं. एट्थ क्वेश्चन है
डिस्क्राइब अ पेट यू लाइक द मोस्ट. आपको अपना जो पेट है, आपको जो पालतू जानवर जो पसंद है, आप जो पालते हैं जिसे, तो आप उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं. तो मैं सिंपली यहाँ पर जो पैसेज से रिलेट ही बता रही हूँ. ग्रैंडफादर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल. इन हिज प्राइवेट जू ही हैड अ पेयर ऑफ रैबिट्स, टॉर्टोइज, स्क्वायरल, अ गॉट एंड मंकी. तो आप इनके बारे में डिस्क्राइबिंग बता सकते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रीटी मंकी टोटो. टोटो का आपको बताना है डिस्क्रिप्शन. तो टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. वो प्रीटी मंकी था, प्रीटी बंदर था. ही इज ब्राइट आइज स्पार्कल विद मिस्चीफ बीनीथ हिज आईब्रोज. हिज टीथ वॉज प्योरली वाइट, वाइट थे उसके टीथ. ही इज स्माइल स्कार्स एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. तो ये डन होता है आपका वर्कशीट सिक्स का सॉल्यूशन. उम्मीद है आपको ये पूरी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो इसी तरह आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे. तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.